देखे जी, मेरा ये मानना है कि जो महंगी चीजें खाने का फैशन है ये गलत है। मुल्क ऐसे नहीं चलता, इसके लिए दिमाग लगाना पड़ता है। कई बार लोग कहते हैं कि मुल्क को सीधे रस्ते पे लाओ, तो क्या उसके लिए मैं दीवार पर चमगादड़ की तरह उल्टा लटक जाऊं, तब मुझे पाकिस्तान सीधा नजर आएगा? यार ये कुरैशी क्यों फोन कर रहा है? इसने सऊदी प्रिंस को नाराज कर दिया, इसको समझाना पड़ेगा। हाँ भाई कुरैशी, तूने क्या पंगा किया यार? सऊदी प्रिंस नाराज हो गया है। तूने इसको क्यों कहा कि अगर वो हमारा साथ नहीं देगा तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता? हाँ नहीं, ये बात तो तूने सही की है। देख पाकिस्तान के मौजूदा हालात ऐसे ही हैं कि हमें कोई फर्क पड़ ही नहीं सकता। कभी कभी तो डिप्लोमेसी में बहुत अच्छी बात कर जाता है। आज बता क्यों फोन किया है? देखे पहले तो मुझसे कर्ज मांगता था, मैं दे देता था, लेकिन टमाटर ना मांग भाई। कल ही मैं दो टमाटर मांग के लाया था, 1000 रुपये किलो मिल रहे थे। उस दिन मैंने तो दो टमाटर दिए तो बीवी नाराज होगी, मुर्गा बना दिया। और नहीं नहीं, घर पे मुर्गा नहीं बनाया, मेरा मुर्गा बना दिया है। हद है जी, गरीब बंदों से बात करो तो पंगे खड़े कर देते हैं। पहले इधर उधर की बातें करेंगे, उसके बाद प्याज टमाटर सब्जी ये सब मांगने लगते हैं, बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैंने नहीं घबराना, मैंने अमीर बात सोचनी है, अमीरों से बात करनी है। मैं क्राउन प्रिंस से बात कर लेता हूं, यार कहीं ज्यादा नाराज हो गया तो बिल्कुल पल्ला ही ना झाड़ दे। हेलो जी जनाब। हैं कौन? देखें सेक्रेटरी साहब, मेरी क्राउन प्रिंस से बात कराएं। क्या हमारी औकात नहीं उनसे बात करने की? देखिए जी, औकात तो हमारी आपसे बात करने की भी नहीं है, लेकिन हम कर रहे हैं ना। देखिए जी, क्राउन प्रिंस नाराज हो गए होंगे, वो ठीक बात है, कुरैशी ने बात ऐसी की है, लेकिन आपने भी तो हमारी गरीबी का मजाक उड़ाया है। हाँ, जब क्राउन प्रिंस यहाँ पे आए थे तो मैं खुद ड्राइवर बन के उनको होटल तक ले गया था, लेकिन उन्होंने कोई इनायत नहीं फरमाई जी, जेब नहीं ढीली करी उन्होंने। देखें हम डिप्लोमेसी इसलिए करते हैं कि उस दिन का जुगाड़ हो जाए, और आप तो उधार भी वापस मांग रहे हैं। देखें हमसे उधार देके जो वापस मांगता है ना, हम उनसे दोस्ती नहीं रखते, नहीं उनसे मिन्नत करते हैं। हेलो जी, यार इसने मेरी आधी बात समझी, फोन रख दिया है। लगता है बंदा अकलमंद है, खरात मांगने से पहले ही फोन रख दिया है। इसको समझना चाहिए कोई भी मुल्क ऐसे बड़ा मुल्क नहीं बनता, वो दूसरों का पैसा मारता है तब बड़ा बनता है। लोग भी अजीब होते हैं जी, महंगाई का रोना रोते रहते हैं, रोते रहते हैं, और जब काम की बात करो तो कहते हैं आप दो कौड़ी के आदमी हो। जिस मुल्क का मैं वजीर आजम हूं उसके लोग महंगे शौक क्यों पालते हैं? और अगर पाल भी लेते हैं तो उनको तरीके आने चाहिए कि सामान को कैसे पाया जाता है। अब जैसे देखें, मैं शत्रु भाई से बात करूंगा और बात करते करते अपना सामान निकलवा लूंगा, इसे कहते हैं तरीका। हेलो शत्रु भाई। नहीं नहीं खामोश नहीं यार, मैंने बड़ी जरूरी बात करनी है आपसे। देखें आप एक काम करें, अब वहां से मुझे टमाटर प्याज, हाँ जी काजू बादाम, इनकी फोटो भेज दें। मैं अपने मुल्क में लोगों से कहूंगा कि हमने भारत से इंपोर्ट शुरू कर दिया महंगी चीजों का। हाँ जी बड़ा गरीब मुल्क है जी, खुश हो जाना है, है? खामोश खामोश कहता रहता है। कौन कहता है जी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती? मैं कहता हूं हर प्रॉब्लम सॉल्व होती है। मेरा तो यह मानना है कि हमारी आने वाली जो पीढ़ी है उसके बच्चे ये जानते ही नहीं होंगे कि प्रॉब्लम नाम का कोई वर्ड है, क्योंकि मैं पाकिस्तान की हर डिक्शनरी से प्रॉब्लम नाम का वर्ड हटा दूंगा। बड़ा दिमाग दिया जी मुझे ऊपर आले ने। बाजवा क्यों फोन कर रहा है? मैंने मुल्क की तरक्की के लिए बिना रुके आगे बात करनी है, और मैं जल्दी से जिनपिंग साहब से बात कर लेता हूं।
जनाब जिनपिंग साहब, मालको देखें बड़ी मुश्किल हालत है जी, आपने पहले हमारा उधार चुकता कर दिया जाची जी। नहीं नहीं, फकीर को भीख दी थी, सही कह रहे हैं। देखिए अब मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि क्यों ना आप हमें अडॉप्ट कर लें, आप सोचें कि हम आपके बच्चे हैं है? जी हम देखें आपकी गुलामी करेंगे, आप समझ रहे हैं, पहले भी तो करते आए हैं क्या? आप कितने बुरे दिन नहीं आए हैं जनाब, मेरी बात सुने, बड़ी अच्छी ऑफर है। हेलो यार, ये कभी मेरी बात नहीं समझ सकता, सही भी है। चमगादड़ कॉकरोच खाने वाले को क्या पता हो कि सब्जी खाने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है। इस मुल्क के बड़े पंगे हैं जी, बड़े पंगे हैं।